इन दिनों सोशल मीडिया पर जादू टोना के चक्करों में फंसी बीजेपी नेताओं का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। गुजरात के बीजेपी नेताओं के इस विवादित वीडियो ने एक तरफ जहां मोदी सरकार की नींद उड़ा रखी हुई है, तो वहीं विपक्ष को बोलने का सुनहरा मौका मिल गया है। जी हां, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और बीच में बैठा शख्स किसी वीआईपी से कम नहीं लग रहा है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ नजर दौड़ाएंगे तो सफेद कुर्ते पैजामे में और नीली जैकेट पहने ये दोनों शख्स कोई और नहीं बल्कि गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा और सामाजिक न्याय मंत्री आत्माराम परमार हैं। और लोगों के बीच बैठा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि एक तांत्रिक है। खुद को तांत्रिक बताने वाले इस शख्स ने अपने तंत्र मंत्र की माया का जाल बिछाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ये शख्स अपने आप नाचने लगा तो वहीं खुद को जंजीरों से मारने लगा। इस तांत्रिक का ये पूरा तमाशा सूबे के दो मंत्रियों के सामने चल रहा था। हैरानी की बात ये रही कि लोगों को इस तरह के अंधविश्वास और तांत्रिकों से बचाने के बजाय मोदी सरकार के इन दोनों मंत्रियों ने चुप्पी साध रखी थी। इतना ही नहीं, तांत्रिक के आडंबर को बढ़ावा देने के लिए और तांत्रिकों को सम्मान देने के लिए मंत्री जी ने तो शॉल तक बांट डाली। इस पूरे वाक्य पर जब मंत्री जी से सफाई मांगी तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी को मिलता है तो क्या दिक्कत हो सकती है, क्या किसी को वादा हो सकता है। इतना बड़ा शक्ति उपासक का ग्रुप है गुजरात में, अरे पूरे देश में है शक्ति उपासक का, ये सब इतना बड़ा ग्रुप है। तो हम पॉलिटिकल लाइफ में हैं, पब्लिक लाइफ में हैं, तो हमको मिलना है, इलेक्शन हम लड़ने जा रहे हैं, अपनी बात रखने के लिए हम गए थे, इसमें क्या। गुजरात का एक बड़ा समुदाय तंत्र मंत्र पर आंख मूंद के विश्वास करता है। ऐसे में रूपानी सरकार के मंत्री अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के झाड़फूंक के समारोह को आयोजन कराने से बाज नहीं आ रहे हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।